अगर गाइस आप पर स्कूटी है, मतलब कोई सा भी स्कूटी हो, एक्टिवा हो, इंट्रोक हो, डियो हो, मतलब कोई सा भी स्कूटी हो, अगर माइलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास हो रहा है तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए। आप लोग को मैं कुछ चीज़ बताऊंगा, अगर उस चार चीज़ को फॉलो करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्कूटी है उसमें अच्छा खासा आपको माइलेज देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को क्या बताऊं, अगर माइलेज से आप परेशान हो चुके हैं, हर चीज़ करके देख लिए माइलेज नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ 4 से 5 हम लोग को उसको सेटिंग करना पड़ता है। उन सभी सेटिंग सही तरीके से कर लेते तो उम्मीद करते हैं कि आपका बाइक में, बाइक हो, स्कूटी हो, माइलेज मतलब सही हो जाता है। तो क्या वो सेटिंग चला आप लोग बताते, अगर आपके पास बाइक का माइलेज नहीं है, स्कूटी का माइलेज नहीं है, तो सबसे पहला हम लोग का इंपॉर्टेंट माइलेज को लेकर टाइप होता है। अगर गाइस आपका टायर ज्यादा टाइट हो जाएगा तो मतलब कंप्रेशन उतना नहीं बन पाएगा, इसी कारण से फ्यूल गाइस हम लोग का ज्यादा मतलब मात्रा में मिलेगा इंजन। तो उस अगर टायर फिट का सेटिंग कीजिएगा, अगर आपका एयर स्क्रू का सेटिंग करके देख लिए तो पर अगर माइलेज नहीं मिल पाता तो टायर फिट को जोर से चेक कराइए। जिस बाइक का टायर फिट मतलब साउंड था लूज थी, ढीला था, इससे मतलब माइलेज से फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने साउंड सही करने के लिए टायर फिट का सेटिंग किया और इसका मैंने कार्बोरेटर भी क्लीन किया था खोल के, इसका मिसिंग था बाइक में तो कार्बोरेटर को भी मैंने खोला था, उसका सेटिंग कर दिया। और इम्पोर्टेंट गाइस हम लोग को होता है एयर फिल्टर कैसा होता है, जब भी अगर माइलेज से प्रॉब्लम हो तो एयर फिल्टर बॉक्स को खोले और एयर फिल्टर को अच्छे से साफ करके लगाए, अगर ज़्यादा डस्ट गंदा आ चुका है तो उसको मतलब चेंज कर दे। तो ज़्यादातर हम कैसे मतलब फिल्टर चेंज करते साफ करें कमी लगाते हैं। और पहला दोस्तों मैंने जब सारा चीज़ खोला तो माइलेज रियली नहीं था इसमें, आप लोग इसका प्लग का कंडीशन देख के आप लोग पता लगा सकते हैं इसमें माइलेज कितना था। अगर इतना ब्लैक प्लग निकलेगा ना, जाहिर सी बात है कि इसमें माइलेज मिलेगा नहीं, माइलेज मिलेगा तो उससे प्लग जो हम लोग पूरा वाइट निकलेगा, अच्छा क्वालिटी का प्लग निकलेगा, मतलब इतना ब्लैक नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसका प्लग खोला और आपको देखा, तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी कुछ चंद चीज़ आप लोग बताया, अभी मैं इसका प्लग डालूंगा और प्लग डालने के बाद एयर स्क्रू का सेटिंग जो बेस्ट सही तरीका हो तो आप लोग को बताऊँगा। एयर स्क्रू का सेटिंग करके आप माइलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अभी चलिए इसका हम लोग एयर स्क्रू सेटिंग करेंगे और आप लोग को बताएंगे। तो तब तक वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहले आप लोग आया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि गाइस मेरे चैनल में आपको डेली इस तरह का जानकारी आपको मैं डेली लेकर आ पाऊँ, मैं आपको दिखा पाऊँ। तो चलिए हम फटाफट हम लोग प्लग डालते हैं और फिर आप बाइक को स्टार्ट करके हम लोग उसका एयर स्क्रू का सही सेटिंग बताते हैं, माइलेज सेटिंग करने का सही तरीका आप लोग को बताते हैं, किस तरह माइलेज आप बढ़ा सकते हैं इंजन में। तो चलिए फटाफट प्लग डालते हैं, आप लोग फिर माइलेज सेटिंग करने का तरीका बताते हैं, उन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, 100% आपको बाइक का माइलेज सही मिलेगा। तो चलिए एयर स्क्रू का सेटिंग आप लोग को बताते हैं, प्लग डालते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं। दिया है तो अभी स्टार्ट करेंगे और आप लोग को मैं इसका एयर स्क्रू का सेटिंग बताऊंगा। जो हम लोग का एयर स्क्रू का सबसे पहले दोनों स्क्रू समझते हैं कौन सा स्क्रू का क्या काम है। तो हम लोग का जो ईजो का स्क्रू होता है, ईजो स्क्रू का हम लोग का होता है ना, ईजो स्क्रू एयर का स्क्रू होता है। अगर इस स्क्रू को आप लोग छेड़छाड़ कीजिएगा, मतलब एडजस्ट कीजिएगा, तो माइलेज आप इंक्रीज कर सकते हैं स्क्रू से। और हम लोग का दूसरा स्क्रू होता है, तो हम लोग का आरपीएम स्क्रू, हम लोग का बाइक का आरपीएम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका यही स्क्रू से काम करूंगा और इस दोनों स्क्रू को सेटिंग करूंगा। दोनों स्क्रू को जब सेटिंग करेंगे तो हम लोग का बाइक का माइलेज इंक्रीज ज़्यादा होगा, बेहतर आपको माइलेज देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करके अब इसका सही सेटिंग किस तरह करना है तो आप लोग को बताता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे, इसलिए स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट क्यों नहीं करेगा और आप लोग को दिखाता हूँ। तो स्टार्ट हो चुका, देख सकते गाइस स्टार्ट हो चुका हम लोग का बाइक स्कूटी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग इसका माइलेज सेटिंग करेंगे। तो माइलेज सेटिंग करेंगे सबसे पहले, अगर आपका स्कूटी बंद हो जाता है ना, तो हम लोग का जो एयर स्क्रू होता है उसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा टाइट करूँगा, कहीं इसका बाइक बंद हो सकता है, स्कूटी देखिए बंद हो गया, थोड़ा आरपीएम उसको ज़्यादा कम किया हुआ है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा टाइट करके आरपीएम थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, देखिए वो कब बढ़ चुका है। अब स्टार्ट करेंगे, बंद नहीं पड़ेगा, थोड़ा स्विच डिस्टर्ब कर रहा है इसका। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया आरपीएम को, हम लोग का ये सब बंद पड़ रहा है, देख सकते हैं थोड़ा इसमें मैंने बढ़ा लिया, थोड़ा सा बढ़ाया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग का ये स्क्रू है ना, इसको हम लोग पूरा टाइट कर देंगे। सेटिंग आने के पहले टाइट करना पड़ेगा इसको, पूरा पूरा सा टाइट कर देंगे, पूरा टाइट कर देंगे। हाँ मैंने पूरा इसको स्टार्ट कर दिया, अब इसको धीरे धीरे खोलेंगे। जब तक खोलते जाएंगे अब तक हम बाइक का आरपीएम पूरा हाई तक ना पहुंच जाए दोस्तों, तब तक इसको खोलते जाएंगे अभी तक खोलते जाएंगे। हमने पूरा स्टार्ट किया, अभी इसको खोलेंगे जब तक बाइक का आरपीएम पूरा हाई ना हो जाएगा। स्कूटी हम लोग का जो है, मैं इस बार बाइक बोलता हूँ दोस्तों, तो स्कूटी भी हम लोग का है, मतलब इसमें आरपीएम जब तक हाई ना हो जाए इसको खोलते जाएंगे। मैं खोलते जा रहा हूँ ना, अब हम लोग का आरपीएम बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप नोटिस कीजिए धीरे धीरे गाइस, हम लोग का आरपीएम बढ़ रहा है आरपीएम धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब तक खोलेंगे तब पूरा हम हाई ना हो जाता तो खोल दिया, एक से मैं इसको खोल रहा हूँ।
इसी प्रकार से हम लोग का बराबर सही मिल रहा है, हम लोग का इतना में बराबर सही मिल रहा है, हम लोग का इतना में छूट देंगे इसको, अब कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग इतना जब ओवर स्पीड हो रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे हम ओवर स्पीड, हमको घटा ओवर स्पीड घटा देंगे, ओवर स्पीड मैंने घटा दिया इसको। तो हम लोग का इसको मैंने ओवर स्पीड से घटा दिया, देख सकते हैं आप लोग, अब इसका मैंने ओवर स्पीड घटा दिया। अब गाइस बाइक हम लोग का सिंपल स्कूटी हम लोग का स्टार्ट है, तो अब चलिए इसको बंद करते हैं और आप लोग को फिर तरीका बताया क्या क्या चीज़ को ध्यान देना चाहिए माइलेज से लेकर। आप बस अगर बाइक है उसमें माइलेज नहीं दे रहा तो इन सब चीज़ों को उसमें फॉलो कीजिए, एयर फिल्टर हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लग हो गया, और हम लोग का इन सभी चीज़ों को अगर सही से चेक कीजिएगा ना, इंक्रीज माइलेज 100% आपका होगा। मैंने तो एयर फिल्टर और प्लग और टाइफाइड तीन चीज़ अगर आपका सही रहे तो माइलेज वाइज 100% आपका बाइक हो या स्कूटर हो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके ऊपर सही सेटिंग, अगर अच्छा मैकेनिक से एयर स्कूटर पर सही सेटिंग करवा लेते हैं तो आपको वैसे माइलेज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अभी जो वैसे मैंने एयर स्कूटर सेटिंग बताया आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, मेरे वीडियो को देखकर आप लोग लास्ट में मेरे वीडियो को देखे होंगे समझ कर, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। मैं किस तरह आप लोग को बताया डिटेल के साथ कि यार इसको को सही सेटिंग किस तरह करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहले आप लोग आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आने वाला दिन मेरे सिर्फ चैनल से स्कूटी से रिलेटेड बाइक से जानकारी डेली मैं लेकर आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छे से जानकारी लेकर, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।